हेलो दोस्तों, आज हम गेहूं की कुरड़ी बनाने के बाद जो चौथा बचता है उसकी मसाला भूसवड़ी बनाने वाले हैं। मसाला भूसवड़ी बनाने के लिए हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमने दो गड्ढे लहसुन के लिए है, ये छिला हुआ लहसुन है। इसमें एक टेबलस्पून जीरा डालेंगे, अपने टेस्ट अनुसार मिर्च पाउडर डालेंगे और इसमें बहुत सारा हरा धनिया, इसे हमने धो लिया है और बारीक कट करके इसे हम मिक्सी में से निकाल लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो गया है। ये गेहूं का चौथा हमारा 1.5 किलो का है, इसलिए हमने यहाँ 3 ग्लास पानी डाला है। इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे और इसमें ये जो मसाला है मिक्सर वाला, इसे डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसमें हम 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और टेस्ट अनुसार नमक। हमने फिर से इसमें और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डाला है, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी हमारा उबल रहा है, अभी हम इसमें गेहूं का चौथा डालेंगे। ये देखिए, इसे अभी नीचे ऊपर करने के बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 3 ग्लास पानी पूरा इसने सोख लिया है। अभी ये जब तक नरम नहीं होता तब तक हम इसे पका लेंगे। हमने इसमें 1/2 ग्लास पानी और डाला है और थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो उसे भी एडजस्ट कर लेंगे। 5-10 मिनट धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। यह अभी नरम हो गया है, अभी गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। 10-15 मिनट के बाद ये पूरा ठंडा हो गया है। अभी हम इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी जार में से निकाल लेंगे ताकि ये फाइन पेस्ट बन सके। ऐसा करने से हमारी भूसवड़ी बहुत ही फाइन आती है और पतली हमें थापती आती है। हमने बिना मिक्सी में निकाले हुए भी भूसवड़ी बनाई है, लेकिन वो थोड़ी सी जाड़ी है और दिखने को भी थोड़ा सा उसका टेक्सचर मोटा होता है। तो आप जैसा आपका मन करे उस हिसाब से भूसवड़ी बनाइए। पानी का हाथ लगा के हमें इसे थापना है, छोटा बड़ा जैसा हमारा दिल करे उस हिसाब से। आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं या भून के भी खा सकते हैं। 2-3 दिन की आपको कड़ी धूप इसे दिखानी है या छाव में आप 7-8 दिन तक सुखा सकते हैं। ये देखिए, सूखने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका टेक्सचर आया है और जो हमने मिक्सी में से निकाला है ये बहुत ही फाइन और पतले आए हैं। अभी हम इसे फ्राई भी करेंगे। ये भूसवड़ी है तो ज़्यादा फूलती नहीं है, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी होती है। आप खाने के साथ मुंह लगाने के लिए इसे साइड डिश बोल के यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसे बनाइए और भूसवड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय।